आज के इस समय हम डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम पर्सनल लोन को लेके कि पेटीएम पर्सनल लोन क्या है, कैसे इसको अप्लाई आप कर सकते हैं, क्या इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या है। इन्हें अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो आप लोन ले सकते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, प्रोसेसिंग फी क्या है, कितना परसेंटेज ले रहा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं एंड में आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीका सिर्फ दो मिनट में यहाँ पर अप्रूव हो जाता है, अतुरता में आपको बैंक अकाउंट में चला जाता है जितना अमाउंट यहाँ पे आप लोन ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पेटीएम आपको पर्सनल लोन कभी नहीं देता है, वो मर्ज किए हुए हैं बैंकों से यानी पार्टनरशिप किए हुए, जैसे कि ये है पेटीएम। बात करता हूँ आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझ में बिल्कुल इजी तरीका से आ जाए। ठीक ना, मैं पूरा डीपली में आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे कि ये है आपको पेटीएम, यहाँ पर पेटीएम के पास बहुत सारे करोड़ कस्टमर है यहाँ पे हैं, इधर बैंक है 7-8-9 एकदम बैंक, बहुत सारे पेटीएम मर्ज किए हुए हैं पार्टनर की हो। ठीक, तो कि इधर आप कस्टमर, जैसे हम यहाँ पर कस्टमर है पेटीएम से अप्लाई कर रहे हैं, तो पेटीएम यहाँ पर आपको बैंक से मर्ज है यानी ऐड है, तो ये दे रहा है पेटीएम बीच में कमीशन ले रहा है, चाहे 5% लें कमीशन, 10% लें, 20%, जितना ये कमीशन कमा रहा है बीच में कमा रहा है। आपको कस्टमर दे रहा है इसको बैंक को, परसेंटेज तो लेगा क्योंकि बीच में सौदा बेच रहा है। जैसे ही आप जाते हैं सब्जी का अगर खेती करते हैं तो बीच में जाते हैं मंडी में बेचते हैं, बीच से जाते हैं फिर वो कस्टमर को देते हैं, तो इस तरीके से बीच में तो कमीशन खाएगा। तो ऑलरेडी आप समझिए कि ये बीच में कमीशन खा रहा है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही लेगा। सोच के देखिए, जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है आपको ज़्यादा ही रहेगा किसी भी तरीका से सोचिएगा, क्योंकि ये ले रहा है बीच में 3% के बाद के मतलब, तो इसका इंटरेस्ट रेट है 12%, तो ये तो जोड़ेगा इसी में ही। अगर आप डायरेक्ट बैंक से लेते हैं तो आपको 3% कम लगेगा, डायरेक्ट बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 3% ही आपको कम लगेगा, मैं आपको समझा रहा था। ठीक, तो अगर आपको लोन लेना है तो डायरेक्ट आपको जाके बैंक से लोन लेना, इससे अच्छा लोन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, लेकिन अगर आपको पेटीएम से लेना है तो मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ के। आगे अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे बगल में स्क्रीन कटूंगा मैं चालू कर दूँगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सबसे पहले पेटीएम ओपन करेगा। अगर आपको देखते हैं पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता नीचे आएगा तो सिंप जाकर सर्च कर लेना। ठीक, जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 3 लाख देखने को मिल रहा है, किन्हीं किन्हीं में यहाँ पर 5 लाख भी देखने को मिलता है, मेरे में 3 लाख यहाँ पे शो हो रहा है। देखते हैं 2 मिनट में अप्रूव आपका हो जाएगा विदाउट इनकम प्रूफ के। ठीक ना, क्या करना, देख सकते हैं किसके थ्रू दे रहा, कौन सा बैंक है, नीचे में यहाँ पर आपको लिख देगा। ठीक ना, तो मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि बैंक के थ्रू आपको देता है या घर से अपना नहीं देता है पेटीएम। ठीक, पेटीएम लोन नहीं देता। चलिए देखते हैं गेट नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इंटर, यहाँ पर कुछ डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करना होंगे, इंटर पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, तीनों चीज़ आपको फिल करना है। उसके बाद टर्न ऑफ कंडीशन दोनों एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड का ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक कर देना। आएगा प्रोसेस में आएगा सैलरी, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कंपनी का नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, सैलरी जो भी है अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कंपनी का नेम डालना है, योर इनकम आपको क्या है जो आपको फिल करना है, पिन कोड एड्रेस का क्या हुआ आपको फिल करना है, पर्सनल लोन यूजर से यहाँ पर रखते हैं आपको फिल कर देना, अपने अनुसार यहाँ पे आपको फिल कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा तो कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपका शो हो जाएगा 3 लाख का, दे सकते हैं इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, कितने का आप लोन लेना चाहते हैं, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, इसको यहाँ पर जो है ना लगे इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ठीक ना, क्योंकि दोस्त ने मेरा लोन लिया था इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। मंथ का अगर लोन यहाँ पे लेते हैं तो मंथली इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा है, देख सकते हैं 2,759 रुपया, देख सकते हैं ईएमआई पर मंथ हो गया 15,259 रुपया, देख सकते हैं 30 मंथ कर लेते हैं तो इतना आपको लगेगा। यानी पेटीएम पे जब भी आप लीजिएगा तो ये अपने अनुसार देता है, क्रेडिट कार्ड का अगर आपका जितना आपका स्कोर है सिविल स्कोर उसके अनुसार यहाँ पे फिल करता है, जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना वो आपको यहाँ पे फिल करता है। यानी अगर 15% ले रहा है, 16% ले रहा है, 35% ले रहा है, यानी 35, 45, 16 से आपको ऊपर लेगा। ठीक ना, 16% से ऊपर ही आपको इंटरेस्ट रेट लेता है पेटीएम से अगर आप लोन लेते हैं तो। ये आप करके देख लीजिएगा, ज़्यादा लेगा तो छोड़ दीजिएगा। देखते हैं इस तरह यहाँ पे शो होगा, और ये देखते हैं 30 मंथ का करेंगे तो इतना यहाँ पे शो हो रहा है, टोटल शो हो जाएगा, तो जितना का आपका मन उतना कर सकते हैं। नीचे एक्सेप्ट का इस पर क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, टेक सेल्फी का ऑप्शन है, यानी KYC करेगा तो इसमें आप फ्रेश होके
यानी चश्मा उसमा कुछ नहीं पहनना, एक सेल्फी अपलोड कर देना है। लेकिन सेल्फी अपलोड करिएगा, कुछ सेकंड में यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आपको क्या आएगा, देख सकते हैं टेक्स्ट सेल्फी पर क्लिक करके अपलोड आपको कर देना है। करने के बाद क्या यहाँ पर आगे का जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आएगा, क्योंकि जो मनी यहाँ पे आपका है ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ HDFC का बैंक मैंने चूज किया है, अकाउंट नंबर आपको फिल कर लेना है, IFSC कोड फिल कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, जो प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना, क्योंकि यहाँ पे जो मनी है ऐड वो आपको डायरेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में, कट के जाएगा, जितना आप ले रहे हैं उतना परसेंटेज आपको कट के आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। अमाउंट यहाँ पे आपने लोन लिए हैं वो कट के जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जैसे रखते हैं 94,690 रुपया योर अकाउंट एंड ट्रांसफ़र होगा, इतना जाएगा एक कितना कहाँ अकाउंट में, मेरा लिया लोन कितना 1,00,000 का, उतना पैसा यहाँ पर मेरा कट गया, यानी परसेंटेज चार्ज काट लिया, फिर पे करिएगा तब भी आपको परसेंटेज चार्ज यहाँ पे देने होते हैं। तो इस तरीका से यहाँ पर रखते हैं 24 से 48 घंटा के अंदर आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट में यहाँ पे चले जाते हैं, न भी जाते हैं तो वेट करिएगा 2-3 दिन आपका चला जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, मन में कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।